हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपके फ़ोन में अगर ट्रिपल कैमरा है या क्वाड कैमरा सेटअप है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके फ़ोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरे हैं, तो आप बोलोगे 12 या फिर 5, 8 और 2, या फिर बोलोगे 48, 8, 5, 2 या फिर 64, 8, 5, 2। अगर फिर मैं आपसे कहूँ क्या अब आपके फ़ोन पे अगर आप उस फ़ोन को परचेज करोगे, तो आप आपके फ़ोन में हो सकता है 50 प्लस 48 और प्लस 48 मेगापिक्सल का कैमरा और बैक साइड में को एक और डिस्प्ले मिल सकता है, टच डिस्प्ले, जिससे आप उसमें देख के अपनी सेल्फी को और भी अच्छा इन्हेंस कर सकते हो। तो यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस फ़ोन के बारे में, कैसा है फ़ोन, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसका कमाल का कैमरा है, और इस पर Xiaomi ने कमाल का काम किया, मतलब क्रेजी फ़ोन बनाया है, मतलब ऐसा फ़ोन बनाया है जो वन प्लस और एप्पल को भी बीट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन। बहुत ही कमाल का फ़ोन है, एकदम क्रेजी फ़ोन है। Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया इस बार अपने फ़ोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसके बैक साइड से स्टार्ट करूँगा। इसमें जो बैक साइड है इसका कैमरा है वो कमाल का दिया है इस बार Xiaomi ने। इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप। इसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का ois+sony के IMX586 सेंसर के साथ में, और इसमें आपको सेकेंड कैमरा मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, वो भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा ois और 128 डिग्री के अल्ट्रा वाइड शॉट्स के साथ आप इसको ले सकते हैं। मतलब 128 एंगल के जितने भी अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स आप इसको लेना चाहें इस फ़ोन से ले सकते हैं, और इसमें भी आपको ois का सपोर्ट मिलेगा इस लेंस में भी। और इसका आपको तीसरा कैमरा मिलता है, वो भी 48 मेगापिक्सल का है, आपको डेप्थ कैमरा मिलेगा इसमें, उसमें वो भी आपको 120x ऑप्टिकल जूम के साथ है। मतलब आप यहाँ से चंदा मामा को भी देख सकते हो जाके, बिल्कुल इतना ज़्यादा जूम आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। मतलब कमाल का फ़ोन है। और उसमें आपको पीछे की तरफ आपको मिलेगा 1.1 इंचेस का टच एमोलेड डिस्प्ले। बैक साइड में भी इस बार Xiaomi ने वो एमोलेड डिस्प्ले दे दिया है, और आप इसमें अगर आप ऐसे बैक करके अपनी फ़ोटो लेंगे तो आप बैक कैमरे से भी अपनी सेल्फी ले सकते हैं। इसमें कमाल की आपको सेल्फी देखने मिलेगी। और अगर इसके सामने की तरफ आ जाए तो आपको इसमें मिलेगा 6.81 इंचेस का QHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और कर्व डिस्प्ले देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा है। और इसमें आपको ये एक पंचुअल डिज़ाइन में मिल जाएगा आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो उसमें भी बहुत ही कमाल का इसमें सेल्फी कैमरा आता है। और इसमें पावर देता है इसमें को स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, अभी इस टाइम का सुपर फास्ट प्रोसेसर है ये। और बैटरी की बात कर ली जाए तो इसमें आपको बैटरी मिलेगी 5000mAh की बड़ी बैटरी, और साथ में आपको मिलती है 67W की वायरलेस चार्जिंग और वायर्ड चार्जिंग। मतलब 67W का वायर्ड चार्जिंग भी कर सकते हो, वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो, और 8W की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हो। मतलब आप दूसरे फ़ोन पे 8W तक की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग आप दूसरे फ़ोन पे आप दे सकते हो। और साथ में इसकी और एक कमाल की बात है, क्या मिलती है 8 या फिर 12GB की LPDDR5 रैम, और 256 या 512GB की UFS 3.1 स्टोरेज आपको इसमें देखने मिलेगी। कमाल की चीज़ें, मतलब आप इसमें एवरीथिंग देख लो, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इस बार Xiaomi ने। मेरे को तो लगता है ये आईफोन को और वन प्लस को एकदम टक्कर देने वाला फ़ोन है, उससे आगे भी निकल सकता है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लिया तो इसमें आपको 12GB रैम और 256GB वाले स्टोरेज की प्राइस मिलेगी 69,990 रुपीज़। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी को Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में। कमाल का फ़ोन है, कमाल के फीचर्स इसमें Xiaomi ने दिए हैं, एकदम टक्कर दे दिया है आईफोन और वन प्लस के फ़ोन्स को अपना फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करके। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुछ Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।